हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए हैं इश मुर्शीद के एपिसोड 3 का रिएक्शन। सो इश मुर्शीद की जो सीरीज है वो आपको भी बहुत पसंद आ रही है और हमें तो बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही है, बिकॉज यहाँ पे हमें दुर्विशान जो है वो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही है। एंड लेकिन अब देखा जाए तो उनका रिश्ता होना बहुत मुश्किल है, बिकॉज वो अपने पापा के सिद्धांतों पे ही चलती हैं। एंड उन्होंने ये बोल रखा है कि मेरे फादर ने जो डिसाइड कर लिया वो कर लिया, और उनके जो फादर का डिसीजन है वो भी बहुत स्ट्रिक्ट है कि लाइक लड़का नेक होना चाहिए, लड़का कोई भी करप्शन नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, उसका सारा पैसा हलाल का होना चाहिए इनका, और जबकि ये तो कमाता ही सारा पूरा करप्शन का पैसा है। तो अभी ये लोगों के बीच में कैसे मतलब बैठेगा, कुछ मतलब तरीका ही नहीं बैठता। और इनकी तो पूरी फैमिली डिस्टॉर्टेड है और ये लोग एक बहुत ही मतलब क्लोज नेट फैमिली में रहते हैं। बहुत सारे सवाल हैं। और उसमें ये बोला था उसने लास्ट में कि वो गरीब बनेगा अगर वो गरीब भी बन जाए, लेकिन वही बात है ना, वो झूठ बोलेगा और फिर वैसे करके उनका रिश्ता स्टार्ट होगा, तो लास्ट में तो जब उसको वो चीज पता लगेगी तो फिर सारा गड़बड़ ही हो जाएगा। लेकिन फिलहाल तो ये है कि उसकी जो जैसा उसको लड़का चाहिए वो वैसा तो नहीं है, लाइक उसकी जैसी फैमिली होनी चाहिए वो वैसी तो है नहीं। तो देखते हैं कि अब जो वो लड़का है वो किस हद तक जाता है, तो ये शायद में भी इस एपिसोड में पता लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं। माशाल्लाह, जीते रहो बेटा। क्या नाम है तुम्हारा? शिब्रा, शिब्रा सलमान। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत नाम है, अल्लाह नसीब अच्छा करे। मैंने सुना तूने दो दो डिग्रियां ली हैं मास्टर्स की। जी, असल में मैंने पॉलिटिकल साइंसेस में मास्टर्स कर लिया हुआ है और अब इंटरनेशनल रिलेशंस में कर रही हूँ, बस उसी के फाइनल एग्जाम्स हैं। फिर इसके बाद बस CSS अटेम्प्ट करना है, बस उसी की तैयारियां कर रही हूँ। हैरत है, तुम जैसी आला तालीम याफ्ता और खूबसूरत अभी तक अपने घर की नहीं हुई है। घर भी शिब्रा का ही है बहन, और जहाँ तक शादी का सवाल है, कोई ऐसा लड़का ही नहीं मिला जो मेरी शिब्रा के जोड़ का हो। क्या बात है, बस आप ये समझे लड़का मिल गया भाई साहब। तन्वी लाखों में एक है, करोड़ों रुपए कमाता है। ये कैसे कमाता है? हलाल के कि हराम के? वो कैसे? हाँ तो बताया जी जी भाई साहब, लड़का माशाल्लाह से गवर्नमेंट ऑफिसर है। आपकी मिसेस ने बताया नहीं कौन से इदारे में? कस्टम। वो मैं भूल गई थी, ये इनकम टैक्स ऑफिसर है। ओह, उसमें तो बहुत मिलता है। रिश्वत लेते हो बेटा? ये किस तरह का सवाल है? पापा पूछ रहे हैं आप रिश्वत लेते हैं हराम की कमाई? तमीज से लड़की, ये कौन सा तरीका है बात करने का? जी आदत से मजबूर है, ऐसा ही करती है। जब भी किसी रिश्वत खोर का नाम सुनती है तो ऐसा ही करने लगती है जो भी किया है इसने। ये क्या रिश्वत खोर, रिश्वत खोर की रट लगा के रखी है। मैं आपसे ये पूछती हूँ, आजकल के दौर में ऐसा कौन है जो रिश्वत नहीं लेता है? तुम्हारे सामने बैठा है। आप मुझे बस एक नाम बता दें, सुलेमान सिकंदर। ये आपके सामने ही बैठे, क्या बात है। प्लीज यहाँ से जाए, मेरे बाबा को इस रिश्ते में कोई इंटरेस्ट नहीं, हमें भी कोई शौक नहीं है। अच्छा अच्छा, अभी तो था तुम्हें शौक। अरे सफिया बात तो सुनो, रुको। वो बेचारी ऐसी है कि मेरा खाना भी पूरा नहीं हुआ। कैसे बेइज्जती करा के गए ये लोग। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? नहीं किया तो ठीक, लेकिन लोग आजकल इसे गलत समझते हैं। वो आंटी पता रेडी है थोड़ा सा करने को कि ठीक है यार, अब आजकल कहाँ मिलता है इतना प्योर, पर ये लोग एडजस्ट करने को तैयार नहीं है। ये रास्ता इतना आसान नहीं है शामिल जितना तू समझ रहा है। कदम कदम पे हमें छुपना पड़ेगा, और अगर कभी भी किसी को पता लग गया तो खेल खत्म। तो मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकता? फिर तैयार हो जा गरीब बनने के लिए। क्या बात है। पर ये तो धोखा हुआ ना यार। वही गरम गरम फुलका, पापा दूं आपको? नहीं नहीं, मैं लेता हूं। अच्छा और लेकर आते हैं, लाओ। अम्मी आप तो खाना खाएं, आप लोग खाएं, क्यों नहीं खा रहे? फुलका बड़ा पतला था, इनको डिसअपॉइंटेड है ये लोग। हाँ इनका क्यों मूड ऑफ है? रिश्ता मेरा नहीं हुआ, मूड इनका खराब है। वाकई तो क्या खुशियां मनाएं? तुम्हें अंदाजा भी है कि कितनी मुश्किल से मैंने ये रिश्ता ढूंढा था? एक रिश्वत खोर आदमी का। यार पापा अपनी जोहजा को समझाएं, किस दुनिया में रहती है? आज की दुनिया में जिसमें तुम और तुम्हारे बाबा नहीं रहते। खाना खाते वक्त बात नहीं करता। हाँ वैसे भी काम बात कर। आप तो सिर्फ फैसला सुनाते हैं, उसके बाद कोई जिए या मरे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या चाहती हो तुम सफ़ी? क्या चाहती हो कि तुम्हारे लिए और इस दुनिया के लिए अपनी आखिरत को खराब कर लूँ मैं? जिनकी हलक से हमेशा हलाल का लुक्मा उतरा है उनकी लोगों में हराम का जहर उतार दूँ, ये चाहती हो तुम? मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरी बच्चियाँ इस घर से इज्जत से रुखसत हो जाएं। पर वो घर इज्जतदार नहीं है तो क्या करेगी? कौन सा बाप होगा जो ये नहीं चाहेगा कि उसकी बच्चियाँ इज्जत के साथ घर से रुखसत हो, वो उनकी आंखों में खुशियाँ ना देखे, कौन होगा? आप
आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे इज्जत से रुखसत हो, आप नहीं चाहते इनकी आंखों में खुशियां देखना। इनफ तो क्या, अच्छा पापा देने से जाने से क्या होगा? सुकैना की आंखों में एक दफा झांक कर देखे। सुकैना तो खाना की तरफ देख रही है। हाँ। पर सुकैना तो चाहती है कुछ कहने की हिम्मत ही ना। अच्छा पापा छोड़े खाना खाएं, आ जाए उन्हें यहाँ बिना क्या जरूरत है बाप। और पता है उन्होंने अगर एक बार एडजस्टमेंट की ना तो फिर वो चालू हो जाती है एडजस्टमेंट। अब आप कहाँ जा रही है, खाना तो खा ले। सुकैना उठना पड़ेगा, तू अकेला नहीं खा सकती। क्यों हंस रही है? हाँ? क्यों हंस रही है? तुम क्यों हंस रही हो, पागल पागल तो नहीं हो गई? ऐसा ही लगता है। सुना था बेवकूफों की भी कोई जन्नत होती है, आज पता चला यही होती है। चलो सुकैना ने भी खाना छोड़ दिया। तुम जाओ बाबा को देखो, मैं मामा को देखती हूं। हां यार प्लीज, थैंक यू बाबा। मैं हूं बस, हट हो गया थोड़ा सा, बस पहली बार लगा कुछ कमजोर पड़ गया होगा। असल में ना हम आजकल कुछ अपसेट हैं, सब ठीक हो जाएगा। सुकैना की नजरों ने हिला दिया बल्कि गिरा दिया। नहीं बाबा, बेचारे ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप दुनिया के सबसे बेस्ट बाबा हैं, आप कभी नहीं गिर सकते। छोड़ देना वरना मैं रो पड़ूं। नहीं नहीं तुम क्यों रोगी, बिल्कुल भी नहीं रोना। हम दोनों दोस्त हैं ना, हम दोनों दोस्त हैं। तुम दोनों में से किसी एक को तो मजबूत रहना है ना। आज मेरा दिन है वरना तुम दोनों टूट जाएंगे। छोड़ दे फिर इस बात को। अच्छा मुझे बताएं हमने क्या डिसाइड किया था, इस घर का कैप्टन कौन है? मैं। फाइटर और एक्चुअली ये घर ऐसे ही बटा हुआ है, वो सुकैना और उसकी माँ और ये, और ऐसे इनके घर में कोई बात नहीं करता। ये तो बहुत ही वियर्ड घर है इनका। जो मुझे गार्ड्स नहीं चाहिए, मेरे पीछे कुछ ना है। बिना गार्ड्स के जा रहे हैं। गाड़ी रुको सर। क्या हुआ शर्मिक सर? जितना आप अपने आप पे करते हैं उससे कहीं बढ़कर शामिल सर। बाबा पूछे तो कहना है उसके साथ, पर उसकी जॉब भी खतरे में आ रही है साथ में। अम्मी गुस्सा अपने दुश्मनों पर थूकें और ये लें पानी के, थोड़ा सा ना प्लीज। तुम्हारे अब्बा भूखे प्यासे हो और मेरे अलग से पानी उतर जाए, ऐसा मुमकिन है क्या? फिर लड़ना क्यों है? इतना प्यार करते हैं अम्मा से तो इतनी बहस क्यों करते हैं? क्योंकि एक बीवी होने के साथ साथ एक माँ भी हूँ, फिकर रहती है तुम लोगों की। लेकिन पता है आपको, आपको आप ही के लिए वो रिश्ता नहीं लेके आना चाहिए था। सही कह रही हूँ कि मैं ना तुम्हारी वजह से मजबूर हो गई थी। मेरी वजह से क्या मतलब? मैंने सोचा था कि अगर ये रिश्ता हो जाएगा तो सुहेब के लिए उस लड़के के जरिए कुछ कर पाऊंगी, लेकिन सब गलत हो गया। वाह क्या स्कीम बिठाई थी आंटी ने, कमाल बातें करती हैं आप। ऐसा मतलब इतनी दूर की प्लानिंग करके अब्बा को बगल में बिठा के मुझसे मशवरा तो कर लेती। माँ ने ना समझ नहीं पाओ। अच्छा ठीक है अब आप रिलैक्स हो जाएं और तवक्कल की कश्ती पर बैठ जाएं। अगर अल्लाह मियां ने हमारे लिए कुछ अच्छा लिखा होगा तो उसके लिए किसी ना किसी को वसीला भी बना देगा, है ना? काकर होटल। अरे हाँ किराया भी तो देना होता है यार। क्या बोल रहे नाम क्या तुम्हारा? फजल बख्श। क्या बताया था कहाँ से? बताया तो था यूके उमरकोट। बड़े शहर का बड़ा बच्चा, पूरा बच्चा वहाँ पैदा हुआ था। यूके पायलट हो तो ऐसे तो लगता है। पायलट हो तो मैं भी पायलट हूँ ठेले का। रूप चाहिए तुम्हारा। रूप? रूप मतलब ये तो फुल पठानी लिबास में है ना, कितना सही लग रहा है। कैसा लग रहा हूँ अब? थोड़ा नॉर्मल लग रहा है। क्यूट लग रहा है। इतना प्यार हो गया पहली झलक में, वाह। जलसी हो रही है ना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आता रहूंगा मिलने। उतना नहीं आऊंगा मगर आऊंगा यार। ये है कौन? पता नहीं। और अभी बस के लिए खा रहा है, मतलब इसके लाइफ का गोल ही मन गई है ये लड़की। ये सही है, पता है सारे पाकिस्तानी ड्रामा में लड़के इतने अमीर होते हैं ना तो उन्हें फिर वो काम वाम का कोई टेंशन नहीं रहता, तो दे आर जस्ट लाइक ठीक है भाई ने तुझे गरीब बाकी सब चलता रहेगा। थैंक यू सो मच यार, अल्लाह तेरी गरीब होने की सारी उम्मीदें पूरी करे। इसमें तमाम चीजें जाली हैं। शायद तेरी मोहब्बत है यार, कितना देखा जाए धोखा ही दे रहे ना वो। पर इसको प्रॉपर गरीब बनना चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए। तो तुझे एक्टिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, रात को ऑरेंज जूसेस नहीं बैठ के पी सकता। मैं किस अंदाज़े से प्लॉट करता हूं तुझे? तो क्या करता,
डॉक्टर बनाता है, एफए पास तो रखता मुझे। अरे भाई गरीब ऐसे ही होते हैं यार। क्या हो गया? जो भी है ना सारे काम एहतियात से करें, क्योंकि अगर तेरे डैडी को पता लग गया या कुछ हो गया तो तेरा डैडी तो तुझे बचा लेगा। मुझे भेजेगा सीधा सेंट्रल जेल। मेरी मोहब्बत की कहानी में तो अपना हिस्सा डालता है। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? मर जाएगा। ओ मर जा, अभी शादी हुई है उसकी। नाम आएगा तेरा गुमनामों में नहीं। सोच क्या कह रहा है यार, मेरी अभी भी शादी हुई है भाई। कुछ नहीं होता यार, फ्यूचर के पीएम का दोस्त है तू, कुछ नहीं होने दूंगा तुझे। पीएम और पीएम बनना लड़कियों के पीछे भाग रहे हो और वो भी बस के धक्के खा रहे हो। अब वो गरीब हो गया, गरीब जूस नहीं पीते, गरीबों का जूस पिया जाता है। यस। और सलमान साहब का दफ्तर पे ओ उनके पापा के पास इम्प्रेशन बनाने के। सलमान साहब का दफ्तर पे कितना चालाक है ये लड़का, देखा जाए इम्प्रेस तो यहीं से होना है। वालेकुम सलाम, क्या करूं? नौकरी, नौकरी आएगी तो बता दें। देर लगाई बाकी सर, ढूंढने में सर टाइम नहीं। ये तो देखते रह गए, इनको डर लग रहा है क्या इसको? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं फजल बख्श, खुदा बख्श। कैसे वो पहले खड़ा होता था, कॉन्फिडेंट था, अब देखो। नाम बताने से हकीकत बदल जाएगी तुम्हारी है? अच्छी तरह जानता हूँ मैं। कौन हो तुम, यहाँ क्यों और कैसे आए हो? हैं? क्या मतलब सर? इसको तो डर ही लगने लगे, क्या बोल दिया? पर्ची? पर्ची? कौन पर्ची? जो बगैर किसी मेरिट की सिफारिश पे आया। ऐसा ही है ना फजल बख्श साहब? नहीं सर, दरअसल आप जिसको सिफारिश समझते हैं सर, मैं उसे वसीला मानता हूँ। मत बोल ऐसे। तो ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग लग गया तुम्हारे हाथ कि चीफ सेक्रेटरी की रिकमेंडेशन पे तुम यहाँ तक पहुँच गए? चीफ सेक्रेटरी की रिकमेंडेशन? दरअसल बात यह है सर, जहाँ इश्क की हकीकी आ जाए वहाँ मंजिल की तरफ बढ़ने के रास्ते खुद ब खुद बनते जाते हैं। एक कहानी है मेरे पास, सच्ची सुन। इतना टाइम नहीं सर, मगरब का वक्त था, नमाज पढ़ के सर दरिया के किनारे बैठा था, मेरे से फरियाद कर रहा था। एक माँ की दर्द भरी चीखने की आवाज सुनाई दी सर, उसका बच्चा समंदर में डूब रहा था, वो माँ मुझे आवाज दे रही थी सर, मैं वहीं पे खड़ा हुआ था सर, और मैं खुश हो गया साईं, पानी मिले तो पीजिए पीजिए। अमजद पानी पिलाओ इन्हें। मगरब का वक्त था जी सर। बच्चा हाँ भाई, इनको पिलाओ। अरे कितनी कॉन्फिडेंटली झूठ बोल रहा है। मगरिब का वक्त था, बच्चा डूब रहा था, माँ की चीखने की आवाज सुनाई दी, फिर क्या हुआ फजल? बोलो ना, आओ देखा ना ताओ सर कूद गया। सर आप यकीन करें, उस बच्चे को मैंने खुद समंदर से निकाल के जब उस माँ के हवाले किया, उस माँ ने उस बच्चे को सीने से लगाया, तो सर ये देख के सर मेरा ईमान और मजबूत हो गया। फिर और वहीं से सर मेरी नौकरी का वसीला बन गया। कैसे? वो चीफ सेक्रेटरी की बीवी थी। बैठो। मेहरबानी सर, वो अपने अख्तर साहब हैं, चीफ सेक्रेटरी। नौकरी दिला दो। उसने कब देखो मैं रास्ता दिखा सकती हूँ, मगर आगे तुम्हारी अपनी मेहनत है। तो सर मैंने कहा 100% बस सर, ईमानदारी से टेस्ट दिया सर, यकीन मैंने अपनी माँ की दुआओं से सर यहाँ पहुँच गए। आप देखो सर, ये अच्छा एक्टिंग कर रहे हैं, सारा सब कुछ इसका फ्रॉड है। यूके यूके उमरकोट वही यूज कर रहे। काफी इंटरेस्टिंग लगते हो वैसे। सर आपको मेरी कहानी पे यकीन नहीं आ रहा मुझे लगा। नहीं नहीं वैसे सच हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन चाय पियोगे? जी चाय चाय पिलाएंगे तो पीलेंगे सर। चाय लाओ भाई। अमजद ये बिल्कुल ऐसे बन रहा है जैसे ये देखना चाहता है। हो सकता है कहानी सच, हो सकता है ना। इम्प्रेस हो गए भाई, इधर तो अलग ही चल रहा है। अरुण बेग को बताओ, उसे कहो दाऊद कह रहे थे हवा चल रही है, लोटे खड़क रहे, और सस्ते से सस्ता लोटा भी 30-35 करोड़ से कम नहीं आता। मुझे ना समझाओ, पैरों के जरिए मुझे पैगाम भेजो, समझाएंगे मुझे। अरुण बेग को समझाओ, हुकूमत निकल गई ना हमारे हाथ से तो अगला इलेक्शन भी भूल जाए। अच्छा ये इलेक्शन में है तभी उसको प्राइम मिनिस्टर बनना है। आगे ठंडा करने। रिलैक्स दाऊद, आपकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है। जस्ट रिलैक्स करो, सब कुछ हाथ से निकल रहा है। तुम्हारा दोस्त हमदर्द हारून बेग फोन तक नहीं उठा रहा मेरा, फंड्स भी रोक लिया। पार्टी को कुछ हो गया? पार्टी को कुछ नहीं होगा, मैं भी हारून से बात करती। इसका फोन उठा देगा? किसी की कॉल अटेंड नहीं कर रहा। नहीं उठाएगा वो। हाँ हारून है। एक तरफ उससे पार्टी नहीं संभाली जा रही अपनी, और दूसरी तरफ वो फॉरवर्ड ब्लॉक उस पर हावी होता जा रहा है, और तुम चाहती हो कि मैं इस
मरती हुई पार्टी को फंड दे दूं? अरे बात समझने की कोशिश करो और दाऊद को भी समझाओ कि अगर वो इस तरह रात भर शराब में डूबा रहा तो उसकी पार्टी भी डूब जाएगी। लेकिन हारून, फरा 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 देखो, सियासत जो है ना इस दुनिया का सबसे बड़ा महंगा खेल है जिसपे अरबों रुपए इन्वेस्ट होते हैं। तुम मुझे एक वजह बताओ कि मैं क्यों इस पार्टी में इन्वेस्ट करूं, बताओ मुझे। शामीर सिकंदर। वो बच्चा वो बच्चा नहीं है हारून, ट्रस्ट मी, अगर इस पार्टी को कोई बचा सकता है ना तो वो सिर्फ शामीर सिकंदर है। ओ भाई, यहाँ तो अलग ही चीजें चल रही है। ये बताओ कि क्या कर रहा है वो आजकल? वो आशिकी लड़ रहा है, गेम खेल रहा है फोन में, स्नेक्स एंड लैडर। ये गेम खेलना बंद करो वरना तुम्हारी गेम बच जाएगी। और काम शुरू करो अपना। अरे खड़े हो जाओ ना जरा। अंकल भी फ्रस्ट्रेटेड है अंदर से। क्या दिक्कत? इतने हैंडसम और गुड लुकिंग। और गुड लुकिंग पता है, सोशल मीडिया पर तुम्हारी खूबसूरती के चर्चे लंदन से अमेरिका तक पहुंच गए हैं। हाँ? कैसे? सच कह रहा हूँ भाई, इसमें दुनिया भर से तुम्हारे लिए रिश्तों के प्रपोजल आए हुए हैं। अगर तुम मेहरबानी करो, मेहरबानी करो और अपने कीमती वक्त में थोड़ा सा वक्त निकाल कर इन रिश्तों को, वाह वाह, तो ये खादिम सारी जिंदगी तुम्हारा मशकूर रहेगा। क्या क्या स्कीम मिठाई है? मैं तुम्हारा इमीडिएट बॉस हूँ, अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान समझे? जी सर, हेड क्लर्क करूंगा सर, गलती हो गई। आइंदा ऐसी गुस्ताखी नहीं करना। जी सर। ऑफिस के डिसिप्लिन के बारे में भी बता देना। पता नहीं कहाँ कहाँ से उठकर चले आते हैं। ये पूरा दिन यहाँ काम करेगा तो पार्टी कैसे संभालेगा? फाइल उठाओ। कौन सी? ये दोनों उठाओ। ये हाँ, ये दो। ये जो फाइल है इसमें पूरे स्टाफ की अटेंडेंस है, और जो नीचे वाली फाइल है इसमें सबकी सैलरी शीट। ओके, तुम्हें पूरे स्टाफ की अटेंडेंस टैली करते हुए सैलरी जनरेट करना होगी। ठीक है, हाँ हो जाएगा। और हाँ, एक और बात, अभी जो 10% अलाउंस लगा है हुकूमत की जानिब से, हाँ उसको भी एडजस्ट कर देना इन सैलरीज में। समझ आया नहीं है मेरे को लगता है। मुझे भी ये लग रहा है। बात सुनो, हाँ दोस्तों मेरे, हाँ एक बात तो बताओ। पूछो। ये कौन था? ये फवाद खान। फवाद खान नाम तो सुना है इसका? अरे ये वो नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, ये काम करता है यहाँ पे? नहीं, ये सुलेमान साहब के लिए परहेजी खाना लेकर आता है उनके घर से। ओ, उसको बीमारी है? कौन सी बीमारी है? एक बात तो बता, तू यहाँ काम करने आया है या सुलेमान साहब ऐसी मजाक कर रहा था यार? तुम्हें मजाक होता है? मैं आता हूँ जरा जरा। अब देखेगा, वियर्ड तो है ये लड़का काफी। उसका गोल काम करना तो है नहीं पियोन की तरह। हाँ। नाम क्या तेरा? फवाद खान। बाल्ट कैसे कर रहे? तेवर भी बिल्कुल वैसे दे रहे। चाय पिएगा? तू भी लाएगा? कितना कमा लेता है? पूरे 12,000। आप क्यों पूछ रहे? ये ले 20,000। ओले 20,000, ये किस लिए? तू मेरे लिए काम करेगा। काम कैसा सेठ? सुलेमान साहब के घर से खाना लेके नहीं आएगा, घर पे बैठेगा, चिल करेगा। मुफ्त की नौकरी किसे ना मंजूर है? बस खुश रह, ये ले चाय पी। तो फिर खाना कैसे आएगा? और 20,000 भी अल्लाह तेरी लव स्टोरी चांद तक लेके जाएगा। आमीन। अच्छा, 10 बच्चों का बाप बना है। 10 बच्चे क्यों? मेरी नौकरी चलती रहेगी ना। ताकत और पैसे से भरी हुई कचोरी है जो सामने खुली हुई है, लेकिन फिर भी अपनी बेटी का घर बसाने के लिए जॉब नहीं लगानी। खुद कुछ कर ले। हाँ, खुद इससे कुछ होता नहीं है। मेरी अम्मी के बारे में कोई बात ना करना। हाँ, मेरी अम्मी के बारे में नहीं करना, मैं तुम्हारे बाप के बारे में कर सकता हूँ। कितनी लंबी उम्र है अम्मी? वालेकुम अस्सलाम। मेरे को इसकी मम्मी इतनी गंदी लगती है ना। दोस्तों के साथ हूँ मैं, सब जानती हूँ। दोस्तों के साथ पता है मुझे, बात कराओ मेरी उससे। अम्मी मैं कह रही हूँ बात कराओ। अम्मी ने सलाम कहना था, सलाम करना है क्या? हम सास नहीं है तुम्हारी। चल अब सुनाएगी पक्का इसकी मम्मी कुछ। अस्सलाम वालेकुम पप्पो। बात सुनो बीबी, ये जितने पैसे तुम मेरे बेटे के उड़ा रही हो ना, ये सारे अपने बाप के खाते में लिखती जाना। समय वापस ना लौट आए ना। क्या है? कोई नहीं होगा। और ये उसकी बाप की बहन है भाई। कान खोल के सुन लो, इस दफा अगर मेरे बेटे की नौकरी ना हुई ना
तो अपने लिए डोली की बजाय सूरी का बंदोबस्त कर लेना। ओ भाई प्यार इतना अंधा भी नहीं होना चाहिए, ये क्या साहस रख गया। सुनो तुम बात सुनो, यहाँ आओ। तो यार ये तो पहचानता होगा ना, ये लड़का शादी में देखा है। हाँ एक बार तो दिख याद आ ही जाता है। बहुत दिनों से नोट कर रही हूँ, पीछा कर रहे हो ना मेरा। नहीं नहीं पीछा मैं नहीं कर रही, पीछा ये आपके पैसे कर रहे हैं, ये पूरे 170 रुपया। ये कितने? 170 रुपये? कौन से 170 रुपये? वो उस दिन मिले थे ना आप टैक्सी वाले को, खुद ही बता दिया। खुला नहीं था, आप कैब में आई थी याद करें, शादी में। अच्छा हाँ जी, लेकिन वो तो बस मैंने ऐसे ही कह दिया था जी, जब किसी भूख लगती जब कहीं तो बस किसी शादी में पहुंच जाता हूँ अपना सूट पहन के। वाह पहचाने नहीं जाते यहाँ, पकड़े नहीं जाते। नहीं जी आपको पता है, मैं आपको एक बार बताता हूँ, मैंने ना एक सूट सिलवाया पूरा 15,000 रुपए का, वो जो दिन देखा था ना वो वाला सूट। कभी दिल करता किसी के शादी में जाने को, बस वो सूट पहन के पता चल जाता हूँ। अब मासूम खाते ऐसा भी हुआ है कि कुछ बच्चे मेरे से मिले आके, उन्होंने देखा है और वो समझे शायद मैं किसी ड्रामे का हीरो, मेरा सेल्फी खिंचवा के चले गए। ये बहुत क्यूट है लड़का वैसे। जी तो फैन हो गया आपका, उस दिन आपने क्या आफ्ताब के बेटे की क्या क्लास ली थी, अल्लाह का सब दिल खुश हो गया। आप सुनाओ समीर को रही थी, लेकिन सुकून इस गरीब के दिल को मिल रहा था। आप हमारे गांव में होती ना, आपको कंधे पे बिठा के पूरे गांव की सैर कराता। वाह हो गया। हम हो गया। इतना आसान नहीं है भाई, मैं सोच रहा इतनी रिजेक्शन। शिब्रा नाम है मेरा। क्या सूरत नाम है जी। आपको पता है मेरी दादी का नाम भी शिब्रा था। तो आपका नाम शिब्रा, मेरी दादी का नाम शिब्रा, शिब्रा शिब्रा का मतलब इतना अच्छा। और हाँ आइंदा की बात पीछा पीछा करने की जरूरत नहीं है मेरे, समझ आई? ये कहाँ से आ गई? पता नहीं, इमेजिनेशन। कितना प्यारा ड्रामा है, और फाइनली जो लड़का है उसका नाम अभी भी पता नहीं लगा हम लोगों को, तो फाइनली उसका वो क्लर्क बन चुका है, और वो भी शिब्रा के फादर के ऑफिस में ही, और उसने जान करी सारी चीजें करी, और जो वो कहानी पोर्ट्रे करी, और मतलब मेरे को बस यही चीज बुरी लग रही है कि वो हर चीज जो कर रहा है ना वो झूठ के दम पे कर रहा है, और जब वो सारी चीजें पता लगेगी ना तो उसकी बैंड बज जाएगी। इवन उसने अभी भी जो वो उसके पीछे पीछे जा रहा था तो वो सूट वाली बात हो गई, वो भी उसने झूठ बोल दी कि ऐसे 5,000 का मैं खरीद कर आता हूँ और हर शादी में पहन लेता। तो देखा जाए उनके जो रिलेशन की जो शुरुआत है वो झूठ पर ही होगी, तो आगे पता नहीं क्या ही होगा। बाकी अगर ये ड्रामे की बात करें, बहुत ज्यादा अच्छा है, शिब्रा बहुत ज्यादा क्यूट है, और जो ये भी बहुत ज्यादा क्यूट है। इसका नाम या तो पता नहीं मैं भूल चुकी हूँ, या फिर इसका नाम अभी पता हमें लगा ही नहीं है। बाकी ड्रामा में इसको देखने के लिए, अगले एपिसोड को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड, लाइक अगले एपिसोड में क्या ही होगा। वही, और इनके मेनली यही है कि यार वो पूरे यहाँ पे प्लानिंग बिठा रहा है, और लेकिन वो अपनी चीजों को छोड़ नहीं रहा है। लाइक ऐसा होता ना कि लाइक वो चाहता कि हाँ मैं अब ऐसे ही रहना चाहता हूँ, और मैं एक मिडिल क्लास की तरह रहना चाहता हूँ, फिर ठीक है, फिर समझ आता कि ठीक है वो चेंज लाना चाहता है, पर वो चेंज नहीं लाना चाहता, वो सिर्फ ये एक्ट कर रहा है। बाकी तो उसको बनना पीएम ही है, बाकी उसको करनी अपनी वही वाली चीज़ें हैं, और वो मेरे को नहीं लगता उनको सहन होगी। और ऊपर से इतना प्यार अगर उनको हो गया बाई चांस इनसे, फिर उसके बाद ये सब बताना तो बहुत डिसहार्टनिंग हो सकता है। एंड साथ में देखा जाए तो हर एक चीज़ अभी ये लोग ये जितनी मेहनत करेगा, मुझे जैसा दिख रहा है अभी कि यहाँ पे उनके यहाँ पे क्लर्क लग गया, और साथ में अभी ये उनके घर से खाना लेके आने का भी रोज काम करेगा, तो ये अलग ही एफर्ट्स डाल रहा है, और वो मेरे ख्याल से इम्प्रेस कहीं ना कहीं हो भी जाए इससे, और इनके फादर तो हो भी गए हैं, तो देखेंगे आगे क्या होगा। तो आप लोगों को ऐसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, जैसे लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते जाए, सब्सक्राइब करते जाइए। बाय बाय।